बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि बाईपास कंट्रोलर। जी हाँ फ्रेंड्स, बाईपास कंट्रोलर मतलब कि स्पीड बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो आपको कम स्पीड में चलना होगा। अगर आप एवरेज नहीं लेना चाहते हैं तो आप फुल स्पीड में चल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर एवरेज नहीं लेना चाहते, मतलब एवरेज जैसे अगर कंपनी क्लेम करती है कि 100 का एवरेज देगी, अगर आप स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, कोई भी गाड़ी हो, अगर आप उसको स्पीड में चलाएंगे, कंट्रोलर को बाईपास करेंगे, तो वो स्पीड में चलेगी, लेकिन आपका जो एवरेज है वो फिर 90-100 जो कंपनी क्लेम करती वो नहीं मिलेगा, 50-60 का ही मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बाईपास किया हुआ है कंट्रोलर को, तो आप देख सकते हैं एलसीडी आ चुकी है, बैटरी पूरी फुल दिखा रही है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कंट्रोलर से जो मोटर की स्पीड है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं नॉर्मली स्पीड से चल रही है। जैसे ही आप ये येलो कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर देख रहे होंगे, इसको मैं कनेक्ट कराता हूँ। जैसे ही इसको कनेक्ट कराएंगे आपस में, तो कंट्रोलर बाईपास हो जाने का मतलब है कि फिर स्पीड बढ़ जाना। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं फिर अब क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको भी इसमें अटैच करा देंगे। ये 3 गियर स्टेप वाले वायर्स हैं, इनको आपस में अटैच कराना है। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो आप बाईपास करा सकते हैं इसी तरीके। उसमें भी आपको ब्लू में व्हाइट कलर का कॉम्बो मिलेगा, रेड में व्हाइट कलर का कॉम्बो और ब्लैक में भी व्हाइट कलर का कॉम्बो। अब देखिएगा स्पीड देख रहे हैं, ये बाईपास हो चुकी है स्पीड। आवाज सुनिए मोटर की। अभी इसमें स्पीड नहीं सो होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका जो वायर है वो निकाल रखा है, और काफी अच्छा बेहतरीन तरीका है ये बाईपास कराने का मोटर को। अगर आप केवल येलो में बाईपास कराते हैं तो देखिएगा, देख रहे हैं अगर इतनी तेज आपकी गाड़ी चलने लगे तो आप क्या करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी, आपने देखा कि अभी जब बाईपास कराने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी और आपके सामने इस समय क्या है। तो इसको कहते हैं बाईपास कंट्रोल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर आप ब्लैक वाले से येलो वाले को शॉर्ट कराते हैं तो यहाँ पर जो है पूरा कंट्रोल बाईपास हो जाएगा। और अगर एक बात और भी है, अगर आपने ब्रेक अच्छी रखनी होगी, अगर आपने इतनी तेज स्पीड गाड़ी चलाई, अगर आपने इतनी तेज में स्पीड में गाड़ी चला ली तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम भी पावर भी अच्छा होना चाहिए। आवाज सुनिए बस, आवाज। इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद यहाँ पे हल्की हल्की वायरें भी गर्म हो गई हैं। और मोटर के ही देखते हैं, मोटर तो एकदम ठंडी पड़ी है।
और ब्रेकिंग अच्छी रखनी पड़ेगी इसके लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने निकाला है, देख रहे हैं। इसको कहते हैं बाईपास। और बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, मैंने दूसरों की भी वीडियो में देखा कि बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं हाउ टू बाईपास कंट्रोलर, हाउ टू बाईपास, लेकिन इसका सजेशन कोई नहीं दे पा रहा था। यहाँ पे जो मैंने सजेशन निकाला है इसका, तीनों वायर को भी आप अटैच कर सकते हैं, दो सिंगल फेस वायर को भी अटैच कर सकते हैं। ये थ्री गियर स्टेप वाली वायर्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दूं पास से एकदम। येलो के बीच में व्हाइट कलर की होगी और एक ब्लैक कलर की होगी और एक ब्लू में व्हाइट कलर का कॉम्बो होगा। अगर आपके में भी ये वायर है तो आप दोनों को अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे ये पूरा बाईपास हो जाएगा। और ये 250 वॉट 1000 आरपीएम वाली मोटर है जो कि इतनी तेज नाचती है, लेकिन